दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राशियों का आपके जीवन पर गंभीर असर होता है। कई बार आप काफी प्रयास करने के बाद भी अपेक्षित फल नहीं पाते, उसके परिणाम नहीं मिल पाते। साथ ही आपको यह भी पता नहीं चलता कि इन असफलताओं के पीछे क्या कारण है। अगर ज्योतिषीय समस्याओं का उपाय राशि के अनुसार किया जाए तो इसका प्रभावी असर देखने को मिल सकता है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार उपाय करें तो सभी प्रकार की समस्याएं जैसे रोग, आर्थिक समस्या, भय, नौकरी, व्यवसाय, मकान, वाहन, विवाह, संतान, प्रमोशन आदि संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपको अपने कर्मों के अनुसार ही आपको उत्तम फल प्राप्त होने लगेंगे। इन रामबाण उपायों से निश्चित ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो पक्षियों को आप दाना डालें। वृषभ राशि वाले हनुमान जी को शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें जिसमें कच्चे सूत के कलावे की दो मुही बत्ती हो। मिथुन राशि वाले धन लाभ हेतु मछलियों को आटे की गोलियां दें। कर्क अगर आपकी राशि है तो चांदी की गाय बनवाकर किसी विद्वत जन को, किसी विद्वान ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर ब्राह्मण को ही दक्षिणा सहित आप दान दें। सिंह राशि वाले सर्व कष्ट से मुक्ति हेतु गणेश जी की आराधना करें। कन्या राशि वाले हनुमान जी को भोग अर्पित करें और उनका दर्शन करें। तुला राशि के जातक तांबे के पात्र में जल लेकर रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। वृश्चिक राशि वाले घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखें। धनु राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। मकर राशि वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को दान दें। कुंभ राशि वाले काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर से 7 बार उतार कर 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें तथा 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। अंतिम राशि जो है वो मीन। मीन राशि वाले किसी भी स्थान पर लाल पुष्प का आप पौधा लगाएं और आप राशि के अनुसार अपने जीवन को सुखी बनाएं। आप सब इस विकट परिस्थिति में, कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रखें, जरूरतमंदों की मदद करें। यह अकाल, यह विपत्ति, यह परेशानी, यह महामारी, इस समय आपका आप किसी को मदद करते हैं तो वह आपको लाभ देगा और आपको काफ़ी आपके जीवन को सुखी भी बनाएगा। इस विकट परिस्थिति में एक दूसरे के काम आए, अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।